मॉर्निंग फैमिली, आप सभी को नमस्कार। और अभी मैं पहुंच चुका हूँ नागालैंड कोहिमा पर, बिल्कुल राजधानी पे। और अभी मैं हूँ अपने होस्ट के घर पे, मेरा प्यारा सा भैया है। सबसे पहले देखिए छोटा सा नजारा, देखिए ये पहाड़ का, ये खूबसूरत वादियों का, देखिए तो कितना सुंदर नजारा है। देखिए कोहिमा का बहुत ही ब्यूटीफुल, ये है कोहिमा का नजारा, बहुत ही बढ़िया। और अभी मैं पहुंच चुका हूँ नागालैंड कोहिमा पे और बहुत ही अच्छा लगा। और रास्ते में मुझे दो भाई एक बहन मिला, वहां से आते समय मुझे यहाँ तक आने का जो डायरेक्शन था, मुझे दो बहन मिला, तो यहाँ पे आने के लिए मुझे ये दो बहन ने बहुत हेल्प किया। थैंक यू सो मच सिस्टर लोगों को। नागालैंड आते ही मतलब ना जो एक प्यार होता है ना वो मिलना शुरू होता है। यहाँ का जो हॉस्पिटलिटी है ना वो अमेजिंग है। मैंने जब सेवन सिस्टर जब मैंने एक्सप्लोर किया तो भैया जी ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया था। इससे पहले मैं आनंद जी के घर में था, थाइको विलेज नागालैंड पे जो दीमापुर पे आता है, तो उनका नाम जॉर्ज आनंद गुरुंग जी, उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया मुझे। तो ब्यूटीफुल चारों तरफ नजारा देखिए, और देखिए कितना सुंदर नजारा है, देखिए कितना ब्यूटीफुल, ये है नागालैंड, ये है कोहिमा का खूबसूरत नजारा, देखिए अमेजिंग कोहिमा ब्यूटीफुल। और अभी चल रहा है हॉर्नबिल, हॉर्नबिल का सीजन है। यहाँ पे एक समस्या है, पानी का बहुत ज्यादा, यहाँ पे पानी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना, वाटर प्रॉब्लम। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए देखिए जुगाड़, ये नागालैंड कोहिमा भी मैं आपको दिखा रहा, देखो ना पानी के लिए बहुत, देखो बहुत समस्या है, देखो ना, देखो पानी को बचाया जाता है, देखो इस टाइप से। यहाँ पे जो कुछ कंटेनर टाइप का है उसको काट के पाइप में फिट करके, देखो बकेट में कनेक्शन किया है, देखो ना बकेट में आके पानी गिरेगा। तो पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पे कोहिमा पे। तो अभी अंदर चलिए, मैं मेरा जो भैया जी ये होस्ट जो मुझे होस्ट कर रहे हैं उनसे मिलाऊंगा। अंदर में कुछ आई थिंक सो कुकिंग कर रहे हैं ना, ऑफिसर्स हिल कॉलोनी कोहिमा। तो चलिए अंदर जाते हैं, और अंदर में भैया भाभी लोग बातचीत कर रहे हैं। हाय भैया, क्या क्या बन रहा है स्पेशल? आलू पराठा। आलू पराठा भैया जी कुकिंग कर रहे हैं। देखिए भैया जी मतलब बहुत एक्सपर्ट है खाना वाना बनाने के लिए, और आज का स्पेशल आलू पराठा। देखिए आते हैं आलू पराठा भैया के हाथों से, अभी आलू पराठा बनेगा, सबको मिलेगा, आइए सब लोग आलू पराठा खाएंगे। यस यस। चलिए तो अभी थोड़ा बैठते हैं, और कुछ कुछ काम भी है यहाँ पे, चार्ज में लगा दिया अपना माइक क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अभी थोड़ी सी देर बाद में हॉर्नबिल निकलने वाला हूँ, वीडियो वगैरह कवर करना है। और आपको पता है जितना सकूंगा डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेटिव टाइप का वीडियो बनाऊंगा। और ये छोटा सा मैंने एक अपडेट दिया आपको कि मैं अभी फाइनली नागालैंड कोहिमा पे आ चुका हूँ, और आगे का जो वीडियो है वो आपको आते रहेगा, मिलते रहेगा। नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते। आप आया, बहुत बहुत खुश लगे हम लोग का। यस यस यस। इसलिए बहुत बहुत आप लोग सबका, हमारा भाई का यूट्यूब चैनल से अच्छा से देखिए। यस, ये भाभी जी इतना मीठा मीठा खाना बना के खिलाए ना, इसलिए इनका घर में फिर से आया मैं। और ये हम लोग का जो हमको भाई आया, पहला सेकंड बार आया है, सेकंड बार। हाँ, पहले जो आज से दो साल पहले आया था। हाँ, तो दो साल पहले आया था। यस, बाय बाय। हम लोग भाभी जी है तो बहुत उनका हाथ से खाना, क्या बोलू, इससे लगभग आज से दो साल पहले जब मैं नागालैंड आया था, जब मैं नॉर्थ ईस्ट पूरा घूम रहा था, तो जब मैं कोहिमा पे आया था तो कोहिमा पे आके मेरा ये दूसरा घर था। पहला घर जो एक मेरा भाई था मोनू, उनका नाम है, चकासंग फैमिली से, चकासंग परिवार से बिलोंग करते हैं। आज सुबह में लगभग 3 बजे में पहुंचा था डिमापुर में, मैं बस से आया था। और लगभग ये देखिए छोटा सा वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ, 3 बजे का है, 3 बजे में पहुंचा था डिमापुर पे, और उसके बाद फिर सफर करते करते यहाँ पे आए। यहाँ पे आते समय फिर यहाँ पे जो ऊपर जो चढ़ाई है, जैसे कि कोहिमा पूरा आपको पता है हिल एरिया है, मैं पहुंचा हूँ नागालैंड कोहिमा, यहाँ का जो कल्चर वगैरह होता है बहुत ही अच्छा बनाऊंगा। तो मुझे आशा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि 100% रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा, क्योंकि कहीं भी जाता हूँ मैं, मेरा पहला फोकस होता है डॉक्यूमेंट्री उस जगह का ना, कल्चर, उन लोगों का भाषा, उन लोगों का जो ड्रेस है, खाना पीना सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक छोटा सा आपको अपडेट देना था। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।